नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल डूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर लखनऊ से आ रही है। भारतीय कृषक एसोसिएशन ने जिला अधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर रहे किसान नेताओं को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने रोका। नारेबाजी कर रहे किसान नेता SDM से भिड़े। पेट्रोल डीजल की दुकान में 22 नवंबर को लगी थी आग। कई बच्चों सहित कई लोग आए थे आग की चपेट में। CO कायमगंज के संरक्षण में चल रहा था अवैध कारोबार। खाद्य विभाग के अधिकारियों पर छापामारी के नाम पर 50,000 वसूली का आरोप लगाया। 2018 में दिए गए कनेक्शनों के बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के नहीं निकाले अभी तक बिल। ज्ञान दूध डेयरी पर एक्सपायरी दूध बाजार में बेचने का भी आरोप लगाया। किसान नेताओं ने SDM को जमकर खरी खोटी सुनाई। फतेहगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर का मामला, जहां पर आज भारतीय कृषक एसोसिएशन ने जिला अधिकारी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। खास रिपोर्ट रघुवंश दुबे के साथ। किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है आप लोग, क्या मांगे? जी, मैं मुन्ना लाल सक्सेना, क्रांति महासचिव, भारतीय कृषक एसोसिएशन, राजनीतिक। एक मेरी यह समस्या है, कायमगंज में 22/11 को आग लग गई थी, जिसमें ये डीजल पेट्रोल का काम होता था और ये जानबूझकर, ये पुलिस वालों को सबको मालूम था, CO साहब कायमगंज को भी मालूम था, इनका सबका महीना जाता था। उस दुकान में आग लग गई, डीजल पेट्रोल का काफी ड्रम थे और आग लगने से कई बच्चे झुलस गए। हमारा ये मान रहा है कि CO कायमगंज को हटाया जाए और जो आग से पीड़ित बच्चे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरी समस्या ये है कि ये बीमारियां जो है, फ्लू वगैरह है और मलेरिया है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है और इलाज सही नहीं हो रहा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाजार से सैंपल तो लेते हैं, परंतु अभी गल्ला मंडी में कुछ दिन पहले लिए थे 3-4 सैंपल, 50,000 रुपए लेकर उनको जो है छोड़ दिए। 50,000 रुपए लिए गल्ला मंडी की जगह। गल्ला मंडी में दो परचून के दुकानदार हैं। क्या नाम पता है उन दुकानदारों से? नहीं, नाम नहीं बताएंगे। वर्ष 2018 में नए कनेक्शन किए गए थे बिजली विभाग द्वारा, लेकिन आज दिन तक उनके बिल नहीं निकाले गए। मीटर रीडर जो है गलत रीडिंग पूरे जनपद में दे रहे हैं और रीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो उनके पास जाके मिलो सेटिंग करके, तब फिर वो बिगड़ पैसे लिए दिए काम नहीं करते हैं। आखिरी समस्या है कि ये ज्ञान डेयरी का दूध, एक पहले भी हमने अभियान चलाया था, अब भी एक्सपायरी डेट का दुकानदारों द्वारा बेचा जाता है। ज्ञान डेयरी एक्सपायरी दूध को वापस नहीं करती। और एक ये SV पब्लिक स्कूल दत्तू नगला से संबंधित है, जिसमें स्कूल प्रबंधक शुभम जो प्राइमरी स्कूल चलाता है उसके एक मान्यता पर दो स्कूल चल रहे हैं। इसमें तमाम अनियमितता है जिसको हमने ये दिया है। और शिक्षक अगर बीच में नहीं अगर पढ़ाना चाहता है या मना कर देता पढ़ाने दे, तो उसका वेतन नहीं दिया जाता है। ऐसा ही एक है अनुज कुमार का मामला, उसको आज दिन तक एक माह का वेतन नहीं दिया गया। विद्यालय में कुछ गुंडक अराजक तत्व किसमें लोग मतलब जो है शामिल कर लिए गए, तो वो गुंडई करते हैं। अगर 3 महीने में अगर कोई बच्चा चला जाता है स्कूल छोड़कर, तो उससे पूरे माह की फीस ली जाती है, पूरे साल की। ठीक है, तो इस तरीके की अनियमितता की जांच होनी चाहिए और अगर विद्यालय दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल का प्रबंधक जो है दो जगह ड्यूटी करता है, इसमें दिया है, और अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और 2,000 रुपए की ट्यूशन के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत।